बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 32। क्लास 10th है, जिसका सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 22 सितंबर। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मर, यानी कि स्फेरिकल मिरर से कैसे जो इमेज है वो फॉर्म्ड होती है और मिरर फॉर्मूला क्या होता है। वी मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग रूल्स इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए रूल्स पढ़ लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे, जो भी इंटरसेक्शन होगा यानी कि जहाँ पर वो काटेंगी टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज, वहाँ पे जो है पोजिशन मिलेगी हमें इमेज की, ठीक है। ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, जहाँ पर भी हम पॉइंट या ऑब्जेक्ट मिलेगी। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज, कोई दो रेज कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। क्या करेंगी, कंसिडर करेंगी जिसे, फॉर लोकेट करेंगी इसको, इमेज को, ठीक है। उसके बाद आगे हमें दिया है आर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी एक रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, विल पास थ्रो द प्रिंसिपल फोकस। वो क्या करेगा, थ्रो करेगा प्रिंसिपल फोकस। इन केस ऑफ कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर हुआ या फिर अपीयर ऑफ डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो फोकस हो जाएगा किसके केस में, कॉनवेक्स के मिरर में, ठीक है, कॉनवेक्स मिरर। उसके बाद आगे हमें दिया है अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल, जब भी एक रे प्रिंसिपल से जाएगी फोकस टू फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर से फोकस पर जाएगी, और अरे विच इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड द प्रिंसिपल, और सीधे वो फिर कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल, जो कि क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उसके आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दिया है कि अरे पासिंग थ्रू द सेंटर, जब भी कोई रे जो है, यानी कि कोई रे है जो कि पासिंग थ्रो करेगी सेंटर से, जैसे कि हम यहाँ पर अभी देखते हैं, जैसे हम मिरर ड्रो करें, जैसे ये हम मिरर ड्रो करते हैं, कॉनकेव कर लेते हैं, चलिए एक मिनट, ये हमने कॉनकेव मिरर किया, ये इसकी लाइन हो गई, यहाँ पर जो है हमारा पी होता है यानी कि पोल, ये लाइन को हम नॉर्मल यानी कि नॉर्मल या प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, और इसका जो हाफ है वो सेंटर कहलाता है, यानी कि जहाँ से हम पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उसका हाफ हमारा एफ कहलाता है, और अगर एफ से पोल तक की दूरी जो होती है वो हमारी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यानी कि सी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इसमें कॉन्वेक्स मिरर की बात की है बट हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव बनाया। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इज रिफ्लेक्टेड बैक, वो वापस रिफ्लेक्ट होगा अलॉन्ग द सेम पाथ, उसी पाथ पे, यानी कि मान लीजिए लाइन आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हुई है तो वो वापस इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ऐसे इसमें हमें थोड़ा समझाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी है, हमें यहाँ पर दिया है अरे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवार्ड द पॉइंट पी, जब भी पॉइंट पी पर होगा यानी कि पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, ऑन द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में, और द कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में भी हुआ, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली, वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्लिक्यूली रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आगे दिया है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में आज हम पढ़ रहे हैं। सो फ्रॉम रे डायग्राम्स एंड पोजिशन ऑफ इमेज, जो भी पोजिशन होगी इमेज की फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होगी, रेफर NCERT टेक्स्ट बुक चैप्टर 10 में हमें जैसा कि बताया गया है, ठीक है। वहाँ पर एक हमें यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर तो हमें ट्रू फॉल्स दिए हैं, तो ये हमें यहाँ पर मिरर फॉर्मूला दिया है। यहाँ पर मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f इक्वल है 1/v के और प्लस 1/u, तो इसमें हमें बताया हुआ है जो u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को
डिफाइन करता है, वी इमेज डिस्टेंस को डिफाइन करता है, और एफ फोकल लेंथ को डिफाइन करता है। यानी कि यू का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, वी का मतलब हमारा इमेज हो गया, और एफ का मतलब हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। उसके बाद और हमें इसमें दिया है रिलेशन बिटवीन आर। अगर हम आर का यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन देखें एंड एफ यानी कि फोकस का और रेडियस का, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है एफ इक्वल टू आर अपॉन में टू। ठीक है, जैसा कि हमें बुक में भी दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, अगर हम रिलेशन देखना चाहते हैं आर से लेके एफ तक का, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है, द फार्मूला ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन, जो फार्मूला होता है किसका, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का वो क्या होता है, वो होता है एम इक्वल यानी कि H2 अपॉन में H1 यानी कि माइनस वी अपॉन में माइनस यू भी हम कह सकते हैं। वॉट डिटरमिनाइज द साइन ऑफ एम, क्या करता है वो, डिटरमिनाइज करता है एम के साइन को। वॉट इज़ द सिग्निफिकेशन ऑफ साइन, साइन का सिग्निफिकेशन क्या होगा। ठीक है, सो उसके बाद आगे पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं हमें। इफ़ एम इज़ नेगेटिव, अगर एम जो है वो माइनस का हो, तो इमेज जो है वो हमारी कैसी बनेगी, इमेज हमारी रियल बनेगी, रियल इमेज हमें मिलेगी। और अगर m पॉजिटिव का हो यानी कि प्लस का हो, तो हमारी रियल सॉरी इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, कैसी, वर्चुअल। ठीक है, अगर m माइनस का हुआ तो रियल, और m प्लस का हुआ तो वर्चुअल। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। सो आगे यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स दिए हैं, सो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ये बात हमारी ट्रू है, तो इसमें हम अपना ट्रू ही लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा ट्रू है। सेकंड, अरे ऑफ इंसिडेंट, जो भी लाइन है इंसिडेंट की, ऑब्लिक्यू टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवार्ड अ पॉइंट पी यानी कि पोल ऑफ मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पर या फिर कॉन्वेक्स मिरर पर इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बात हमारी फॉल्स है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारी फॉल्स है। उसके बाद आर रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी या कॉनकेव मिरर इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द पाथ, तो इसके लिए हमारी ये बात भी ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है और सेकंड जो है वो फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें कुछ दिए हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यू दिए हैं कुछ। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस मैग्नीफाइंड इमेज, एक कॉनकेव मिरर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीफाइंड इमेज। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो ऑब्जेक्ट क्या प्लेस करेगा, तो वो कहाँ होगा, एट द फोकस नहीं, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड द सी, सी से पहले नहीं, तो आंसर करेक्ट है सी, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस से पोल के बीच में होगा ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, उसके बाद द पोजिशन ऑफ इमेज सी, जो इमेज सी की पोजिशन है सेम साइज के ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब द पोजिशन, जब हमारी पोजिशन कहाँ होगी, एट फोकस नहीं, बिटवीन सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बिटवीन फोकस एंड पोल नहीं, एट सी यानी कि सी पर, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी पार्ट। ठीक है, अ मिरर प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज, जो हमारा मिरर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, रियल और हाईली एनलार्ज्ड इमेज, तो हमारा मिरर वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा, प्लेन मिरर भी नहीं होगा, मे बी कॉन्वेक्स नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट है, कॉनकेव मिरर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है एंड थर्ड का ए है। सो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर है, जिसका जो कर्वेचर रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ हमें निकालनी है। फोकल लेंथ के लिए हमने कौन सा फार्मूला बना पढ़ा था, एफ इक्वल टू
आर बाई टू, यही फार्मूला हमने पढ़ा था, है ना। ये रहा हमारा आंसर। जैसा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें दिया है आर 40 है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर की वो क्या है, 2 into फोकल लेंथ। सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा ये हमारा फार्मूला ये है, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए। आप ये नहीं भी लिखें, सीधे आप ये लिखे एफ इक्वल टू आर बाय टू, तो आर एफ तो हमारा ऐसे रहेगा, आर हमारी कितनी है 40, तो 40 अपॉन में 2 हो जाएगी। तो जब हम इसे काटेंगे 2 into 2, 2 20, ठीक है, तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकस लेंथ 20 आ जाएगी। हैंस द फोकल लेंथ ऑफ गिवन स्पेरिकल मिरर इज 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। तो यही थी बच्चों आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।